अवेटेड वीडियो किसका? कंप्यूटर साइंस क्लास 12 सीबीएसई का वीडियो आ चुका है। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर साइंस भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12 वालों का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सकीना अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चरकोट स्टडी। तो कैसे आप सभी लोग? तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि हमारे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हम लोग को पाइथन पढ़नी है तो पाइथन का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़े से वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं आज के टॉपिक्स में। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को सबसे इनिशियली पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि हमारे डेटा टाइप्स कौन कौन से रहते हैं, कैसे उनके प्रोग्राम्स रन होते हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में, इनपुट आउटपुट कमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पाइथन के लिए, है ना। तो पाइथन क्या है? एक हमारी एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। किसने इन्वेंट की थी पाइथन को? तो गाइडो वैन रॉसम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाइथन इन्वेंट की थी। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, गाइडो वैन रॉसम ने पाइथन क्यों नाम रखा था ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलो, पाइथन किस चीज़ के लिए फेमस है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी पाइथन का स्कोप बहुत ज़्यादा है मशीन लर्निंग के लिए। उसका कोड जो है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंग्लिश लाइक कमांड होती है हमारी। दूसरी अगर लैंग्वेज से कंपेयर करा जाए पाइथन को, तो पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, उसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में, ये सारी चीज़ों में पाइथन यूज़ हो रहा है। ट्रेंडिंग बोलते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लैंग्वेज है ना, आगे आने वाले वक्त में भी टाइम में भी पाइथन बहुत ही रफ्तार से यूज़ होने वाला है एकदम। इसीलिए पाइथन सबसे ज़्यादा फेमस है। और अभी आप लोगों को क्लास 12 में रखा गया, नहीं तो पहले दूसरी लैंग्वेजेस रहती थी ना हमें। देखो, अब हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो पाइथन को यूज़ करती है। गूगल, जिससे दिन रात हमारा काम चलता रहता है ना, अमेजन देख लिया, बिल्कुल ऐसे चलता ही रहता है, अमेजन से ये परचेस किया वो लिया, ऑनलाइन शॉपिंग, नेटफ्लिक्स जिससे अभी लॉकडाउन में बड़ा चल मार रहे थे हम लोग, यूट्यूब जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और yahoo.com, ये सारी चीज़ें क्या होती है पाइथन, ये सारी कंपनियाँ क्या पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करती। इंस्टाग्राम होता है ना, इंस्टाग्राम भी पाइथन को ही यूज़ करता है। देखो, फीचर्स ऑफ पाइथन देख लेते हैं कि पाइथन में ऐसे कौन कौन से फीचर्स है यार जिसकी वजह से पाइथन इतनी ज़्यादा मतलब फेमस है, बिल्कुल ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। ईजी होती है हमारी, फ्री एंड ओपन सोर्स होती है, मतलब कोई भी इंसान इसे यूज़ कर सकता है। हाई लेवल है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है, चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, उसके कंसेप्ट को फॉलो करती है पाइथन। ओके, सारी चीज़ें डायनेमिकली टाइप है, GUI प्रोग्रामिंग हो जाती है, सारी चीज़ें एम्बेडेड है, एक्सटेंशिबल है। चलो एप्लीकेशंस देख लेते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। तो हमारे वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती है, हमारी वेबसाइट्स हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, हमारी वेब डेवलपमेंट सारी चीज़ों में आ जाती है। साइंटिफिक न्यूमेरिक एजुकेशन में हमारे स्कूल कॉलेजेस में पाइथन चल रही है, साइंटिफिक और न्यूमेरिक कंप्यूटर। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये सबसे पहले समझेंगे, और वेरिएबल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं कुछ रूल्स पढ़ने हैं। वेरिएबल क्या होता है कि हमने कुछ, जैसे हम लोग का घर पे नाम रहता है ना, ऐसा कुछ भी निकनेम रहता है हमें, तो मम्मी कैसे हम लोग को बुलाती है कि अच्छा सोनू आजा खाना खा ले, या कुछ भी लिया। ठीक है, जैसे मुझे मेरी मम्मी सबको बुलाती है घर पे, है ना, मम्मी पापा सारे। तो हम लोग को वेरिएबल को भी एक नाम देना पड़ता है, क्यों? कॉल करने के लिए। अब मैंने देखो ना, इतनी सारी चीज़ें बनाई है, मेमोरी में अब मेरे स्टोर है, तो अब मेरे को किसको कॉल करना है, मुझे किसको कॉल करना है, प्रोग्राम से हम लोग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
तो एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होता है, उसका नामकरण करना पड़ता है, जैसे हमारे नाम होते हैं ना, शॉर्ट नेम होता है, बिल्कुल, तो वेरिएबल का नाम रखना पड़ता है। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट किया नंबर नाम से, क्या नाम रखा है उसका, नंबर, उसमें क्या डेटा वैल्यू स्टोर करी मैंने, 10। ठीक है, तो ये 10 मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया है। ओके, तो ये इसका नामकरण हो गया। अब जब भी मुझे ये 10 चाहिए तो मैं 10 नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी, नंबर, तो नंबर हमें मुझे 10 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने इसका नाम रखा है नंबर। चलो, कुछ रूल्स होते हैं यार, अब जैसे हमारे नामकरण में भी तो ऐसा ना होता है ना, बिल्कुल बोलते कि ये राशि के हिसाब से, इस लेटर के हिसाब से रखिए, स से नाम रखिए या बिल्कुल ए से नाम रखिए। अब वेरिएबल्स के भी कुछ रूल्स है यार, बिल्कुल थाट से है वो भी कि नहीं, मुझे भी कुछ रूल्स होने चाहिए, मेरे भी नामकरण के लिए, इतना सस्ता थोड़ी हूँ मैं। तो वेरिएबल्स के भी कुछ नाम वाम है, देखो अब कुछ रूल्स है, जैसे वेरिएबल को हम ए टू जेड रख सकते हैं, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, वो सारी चीज़ें, और हम लोग क्या 0 से 9 उसमें नंबर्स भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं, ये अंडरस्कोर दे सकते हैं। पर वेरिएबल बोल रहा है कि उसका नाम ना या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब लेटर मतलब क्या, ए टू जेड कैपिटल में या ए टू जेड स्मॉल में, या फिर अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर मतलब ये लाइन, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना। कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि क्या हम लोग वेरिएबल का नाम उससे स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से, यस नो ऐसा कुछ करके कुछ भी चार ऑप्शंस बना सकते हैं यार, तो बिल्कुल भी नहीं। रूल्स याद रखो, वेरिएबल का नाम हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते, किसमें, नंबर्स में। वेरिएबल्स के नाम मतलब हमें पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब समझ में आता है ना, मतलब सेंसिटिव, हम लोग बोलते हैं ना स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग है, मतलब यहाँ स्मॉल में अगर सारे कैरेक्टर्स दोगे तो उसका मीनिंग अलग होता है कंपाइलर के लिए, या फिर सिर्फ कैपिटल लेटर स्मॉल दिया उसका मीनिंग अलग, या सारे कैपिटल लेटर्स दिए तो उसका मीनिंग अलग, मतलब केस सेंसिटिव है, तो मतलब स्मॉल कैरेक्टर्स का लेटर का मतलब अलग होता है कंपाइलर के लिए, और हमारे जो कैपिटल लेटर्स का है उसका मतलब अलग होता है। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके, अगर केस सेंसिटिव पूछ लिया जाए तो इसमें से कौन सा सही, तो पाइथन केस सेंसिटिव है। कौन से चार रूल्स हुए हमारे, कि हम लोग सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, पर वेरिएबल्स को कभी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है, अंडरस्कोर से और लेटर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और एक पाइथन केस सेंसिटिव होता है, मतलब वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब जैसे मैंने स्मॉल एज लिखा है, 3 एज लिखे ना, ये तीनों का मतलब कंपाइलर के लिए अलग अलग है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने एक, देखो मैंने लिखा है हैशटैग डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज्ड इट, मैंने एक एफ नाम का वेरिएबल बनाया, अब मुझे कभी भी 0 वैल्यू चाहिए तो मैं किसको कॉल करूँगी, एफ को कॉल करूँगी, एफ एफ बिल्कुल एफ फॉर फिश है ना, एफ को कॉल करूँगी। अब मैंने, मेरे को लग रहा है कि मेरे को 0 से उसी वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में कुछ वैल्यू दूसरी देनी चाहिए, मैं बोर हो गई हूँ 0 से, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, तो मैंने क्या करा, उसको बुरो 99 वैल्यू दे दिया ना, मैंने रीडिक्लेयर करा, रीडिक्लेयर मतलब सेम वेरिएबल में वापस से वैल्यू को डिक्लेयर करना, ठीक है। अब मैं प्रिंट एफ करूँगी तो क्या आएगा, जो मैंने वापस से डिक्लेयर करी है ना वैल्यू नेक्स्ट टाइम, मतलब जो सेकेंड टाइम करी वो मेरा आएगा, ठीक है। देखो अब दोनों वैल्यू दे दी उसने, क्योंकि मैंने यहाँ भी प्रिंट एफ करा था और यहाँ भी, इसलिए दोनों। अगर आप लोग सिर्फ इसमें करते, मतलब लास्ट टाइम आपने पहले एफ डिक्लेयर किया 0, अगेन एफ डिक्लेयर किया गुरु 99, तो जो आपने लास्ट में एफ डिक्लेयर किया ना उसी की सिर्फ वैल्यू वो प्रिंट करेगा। देखो इधर लिखा भी है मैंने सिर्फ इधर आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि यू कैन रीडिक्लेयर द वेरिएबल्स, आप लोग रीडिक्लेयर बिल्कुल कर सकते हैं, पाइथन में ये भी फंक्शन है कि आप अगर बोर हो गए ना उसकी वैल्यू से तो उसकी वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है, इवन आफ्टर इफ इट इज़ डिक्लेयर्ड वंस, ठीक है, उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार आपने डिक्लेयर कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते उसके साथ, अरे बिल्कुल आप सारी चीज़ें कर सकते हो, हमारे वेरिएबल बड़े स्वीट स्वीट से है, आप उसमें रीडिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, इट वर्क्स फाइन, कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अब चलो, मैंने ये पाई को पी आई को कैपिटल लिखा है, डैट मीन्स क्या कि जो वैल्यू मेरी कॉन्स्टेंट रहती है ना उसको मैं कैपिटल लेटर्स में लिखती हूँ, पूरे लेटर्स कैपिटल, जैसे हमारा स्कूल का नेम या कॉलेज का नेम वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, इट्स कॉन्स्टेंट, तो हम कॉलेज नेम भी क्या पूरा कैपिटल में दे सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट होती है 22/7, या फिर क्या 3.14 भी ले सकते हैं, ऐसी जो वैल्यूज़ है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है या मतलब जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो सकती ना, जैसे तुम्हारा नाम वो भी कांस्टेंट है, कोई चेंज थोड़ी कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या दे सकते हैं, कैपिटल में दे सकते हैं। अब देखो ये 4 नेम जहाँ मैंने रेड कलर लगाया है, यहाँ क्या रेड क्यों लगाया है, अरे भैया ये तो रूल से खिलाफ है ना, देखो ये 4 नेम लिखा है, मैंने क्या बोला था कि हम लोग पाइथन को कभी भी क्या नहीं कर सकते, देखो कभी भी हम नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, उसने एरर दे दी, तुम छेड़खानी करोगे, उसके रूल से खिलाफ गए, देखो सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स,
क्यों दी? क्योंकि तुमने नंबर से स्टार्ट कर दिया, सिर्फ नेम लिखते तो आपको प्यार से ट्रीट करता, नहीं आपको तो करनी है तो आपने फोर नेम ले दिया। इसीलिए हमने सोचा यार थोड़ा पाइथन को देखते टेस्ट करते कि क्या इसके रूल्स है वो सच में भी ठीक है, बिल्कुल ये जैसा बोल रहा है वैसा वर्क करता है कि नहीं, इसीलिए हमने फोर नेम दे के देख लेते, सिंटेक्स एरर। ओके चलो आगे चलते। मैंने अब दिया 4e-3, यहाँ e क्या काम करता है, e मेरा रहता है 10^-3 की तरह काम करता है, जो कि मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया और प्रिंट है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आई 0.004। देखो क्योंकि हमने e की क्या वैल्यू ली थी, e की वैल्यू ली हमने, e की वैल्यू है हमारी 10^-3। अब 4 × 10^-3 माइनस, हाँ 4 × 10^-3 और माइनस 3, उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वापस, ई की वैल्यू क्या होती है, देखो उस केस में क्या थी हमारी ई की वैल्यू, इस केस में क्यों थी -3, क्योंकि यहाँ 3 प्रेजेंट था। अब मेरा वहाँ 6 है, देखो इसके साथ ई के साथ क्या 6 है, तो 10^6 हो जाएगा, वहाँ -3 था क्योंकि माइनस है और अगेन 3 है। ओके इसीलिए अब ई क्या करता है, 10^ लगाने का काम करता है, जो भी आखिरी वैल्यू होगी ना उधर -3 थी तो -3 लगाएं, यहाँ 6 है हमने 6 पुट कर दिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, इट्स होमवर्क फॉर यू। ओके इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, 5e6। ओके अब मैंने एक एग्जांपल तुम लोग को करके बता दिया था 4e-3, उसका आंसर था हमारा ये देख लो 0.004, इट्स आउटपुट। इसका आउटपुट मुझे बिल्कुल चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इसका आउटपुट क्या होगा, इट्स होमवर्क फॉर यू गाइस। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में इसका मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इंटरेस्टिंग कि मैं अगर जो चीज़ आपको पढ़ाती हूँ कि रियलिटी में आपको समझ भी आ रही है। ओके तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना। चलो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डेटा टाइप्स, कैसे कैसे डेटा टाइप्स रहते हैं हमारे। ओके तो देखो डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पाइथन में, डेटा टाइप्स कुछ कितने डेटा टाइप्स रहते हैं, देयर आर 5 नंबर ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, न्यूमेरिक रहते हैं, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। अब न्यूमेरिक में भी कुछ डेटा टाइप्स रहते हैं, मतलब डेटा टाइप क्या कि जिसको हम पाइथन को किस टाइप से लिखना चाहिए, जैसे हम लोग को इंग्लिश सीखने के लिए अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं पहले, वैसे ही पाइथन को सीखने के लिए हमें डेटा टाइप्स मस्ट है सीखना, ज़रूरत है हमारी। ठीक है, इट्स कंपलसरी है ना, तो क्योंकि पाइथन लिखने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की हेल्प लगेगी ना। चलो न्यूमेरिक में हमने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले न्यूमेरिक की बात करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिक समझते हैं ना, व्हाट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, कैसे कैसे रहते हैं। चलो इंटीजर की बात करिए, जितने होते हैं ना ये 1, 2, 3, 100, 10, 99, दीज आर इंटीजर्स है ना। तो चलो हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे हैं, तो देखो मैंने एक ए दिया, यहाँ ए क्या है मेरा वेरिएबल। ऑफ कोर्स हम लोग को क्या होता है कि एक हमने कंटेनर बनाया था किसके लिए, स्टोरिंग डेटा के लिए, तो वो क्या होता है हमारा वेरिएबल फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, वो होता है हमारा कंटेनर। यहाँ मैंने दिए 1, 4, 5, 3। ओके अब मैं इसका टाइप पता लगाना चाहती हूँ कि क्या हम जो बोल रहे हैं इट्स रियली ट्रू, तो मैंने टाइप पता लगा, टाइप में मैंने ए पास कर दिया विच इज़ अवर वेरिएबल जिसमें हमने डेटा की वैल्यूज़ को स्टोर करवाया, तो उसने दे दिया रिप्लाई, ये जो ब्लू कलर का है ये मेरा आउटपुट है। ओके ये आउटपुट है, ओके चलो तो ये आउटपुट है, तो मैंने दे दिया क्लास इंटीजर, तो उसने मुझे आउटपुट कर दिया कि ये एक इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने दिया कि मैंने माइनस लगा के उसके छेड़खानी करके देखी, ऐसा थोड़ा सा मन से ना दिमाग से लगाया करो कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाया करो, ऐसा नहीं कि जितना पढ़ा दिया इट्स ओके, ठीक है बिल्कुल वैसा नहीं, थोड़ा सा एकदम लॉजिकल क्यूरियोसिटी रखा करो है ना। चलो तो बी में मैंने माइनस लगा दिया, अब इंटीजर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर को इंटीजर ये ले रहा है, तो देखो मैंने अगेन क्या करा, टाइप ऑफ बी चेक करा, तो उसने अगेन दे दी कि इंटीजर टाइप है। अब चलो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, कि पॉजिटिव नंबर को भी वो इंटीजर ट्रीट करता है, नेगेटिव नंबर को भी इंटीजर ट्रीट करता है, मतलब सिर्फ नंबर्स होने चाहिए ना उसके पास। अब मेरा डाउट ये है कि जीरो, जीरो तो न्यूट्रल है ना, उसको क्या करेगा, अब उसको भी इंटीजर ले रहा है कि नहीं, तो मैंने क्या करा सी में एक जीरो स्टोर करवा दिया। ओके सी इज़ माई वेरिएबल, टाइप चेक करा सी का, तो अगेन क्लास क्या निकली इंटीजर, तो इट्स ट्रू फॉर ऑल, कोई सा भी नंबर हो मुझे सिर्फ नंबर से मतलब है, आइदर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो, डोंट मैटर। ठीक है चलो अब फ्लोट देखते हैं, फ्लोट में क्या है कि जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन वाली, ओके जिसमें डेसिमल आता है, ये डेसिमल 1.3 ऐसा कुछ आ गया, तो वो सारी क्या काउंट होती है हमारी, वो होती है हमारी फ्लोट वैल्यूज। देखो मैंने जैसे जी में 1.03 दिया, अब मैंने टाइप जी का चेक करा तो उसने फ्लोट दे दिया अगेन। अब मैंने सोचा कि डबल लेती हूँ आगे, 11.03 चेक करती हूँ तो क्या होगा, या 2.3 चेक करूँ, उसने अगेन फ्लोट दिया। अब मैंने सोचा कि मतलब आगे नंबर नहीं देती हूँ, सिर्फ ऐसा लिखती हूँ 0.34,
ये भी वो फ्लो ट्रीट कर रहा है या कुछ और ट्रीट कर रहा है ना, थोड़ा सा जैसा लॉजिकल लगाना है ना हमें। तो मैंने वापस क्या दिया, आई में 0.34, तो उसने अगेन टाइप आई मैंने करा, तो उसने क्या दे दिया आउटपुट, ये जो ब्लू कलर का नहीं ये आउटपुट है ओके, तो उसने दे दिया क्लास फ्लोट ओके। अब मैंने जे में वापस एक जे पे वेरिएबल लिया, उसमें मैंने वैल्यू दी 2 पॉइंट ऐसा दिया, जो अब ये ई क्या कर रहा है, ई की पावर -10 हो जाएगा है ना, हमने ई देख लिया था ई क्या वर्क करता है कि 10^-10 हो जाएगा, ये ई जहाँ हम वर्क कर रहे हैं ना इस लाइन की बात कर रही हूँ मैं ओके। तो यहाँ मैंने दिया 2.12 × 10^-10। अब ये क्या उसको ट्रीट करेगा, क्योंकि 10^ भी आ रही है इसमें, तो ओके उसने अगेन क्या दे दिया कि ये क्लास क्या है, फ्लोट है, मतलब जिसमें सिर्फ डेसिमल आए वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉइंट आए, मतलब है ना ऐसा याद रख सकते, पॉइंट आए डेसिमल आए वो सारे नंबर्स क्या मैंने ट्रीट हो सकते हैं, फ्लोट नंबर्स हो सकते हैं ओके। चलो थर्ड टाइप कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो कॉम्प्लेक्स बड़ा अच्छा पता होगा ना, आई प्लस जे वाला फॉर्म जो होता है बिल्कुल वो कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म होता है ना। अब मुझे कॉम्प्लेक्स में भी चेक करना है कि कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। एक्स में मैंने दिया कॉम्प्लेक्स 1, 2, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि कॉम्प्लेक्स है, तो ये सही है क्या, ये रन होगा प्रोग्राम है, और टाइप एक्स को चेक करवाएं, तो उसने क्या दे दिया क्लास कॉम्प्लेक्स, प्रिंट करवाया उसने एक्स को वापस, तो उसने दिया 1.2 जे। यहाँ मैंने एग्जैक्ट लिया, उसमें मैंने दिया 1.2 जे ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको चेक करवाना चाहती हूँ, मैंने क्या बोला आई प्लस जे वाला जो फॉर्म होता है ठीक है वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, तो 1+2j दिया मैंने ओके। तो टाइप जेड मैंने वापस चेक करा तो ये अगेन कॉम्प्लेक्स निकला ओके। अब मैंने क्या करा, पहले स्मॉल जे दिया था, अब कैपिटल जे देके देख रही हूँ कि ये क्या अगेन कॉम्प्लेक्स होगा, तो जेड इज इक्वल्स टू 1+2j कैपिटल में दिया, तो टाइप क्या हो गया इसका जेड, तो क्लास क्या हो गई कॉम्प्लेक्स क्लास हो गई है ओके। तो ये क्या हो गया हमारा अगेन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। यहाँ देखिए मैंने न्यूमेरिक के तीनों एग्जांपल दे दिए, एक एक्स बनाया जिसमें मैंने इंटीजर दिया, वाई में मैंने फ्लोट एंड जेड में मैंने कॉम्प्लेक्स, और तीनों के टाइप चेक करवा लिए। तो देखो नीचे क्या आ गया, उसमें एक्स में मैंने क्या दिया इंटीजर आ गया, वाई में फ्लोट और जेड में क्या कॉम्प्लेक्स ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे न्यूमेरिक का मतलब न्यूमेरिक डेटा टाइप खत्म हुआ, बाकी के डेटा टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वैसे तो ये वीडियो उन लोगों बच्चों के लिए जो ज़्यादा कोचिंग वोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा सकते, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला ये वीडियो। अगर आप लोग को हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारी लिंक पर जाके जो कि हमारे www.chitkutstudy.in पर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते जाना है और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी चाहिए। चलो इसी के साथ मिलती हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर साइंस, जब तक अच्छे से पढ़ते रहो, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइस।